भाई औरतें प्रेग्नेंट होती हैं ये तो एक प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन क्या कभी आपने किसी आदमी की प्रेगनेंसी के बारे में सुना है? वेल, आजकल ये पॉसिबल भी हो गया है, लेकिन ये आदमी पूरे 36 सालों तक प्रेग्नेंट रहा, फिर उसके जुड़वा बच्चे हुए, ये देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए। देख रहे हैं आप अजब गजब, मेरा नाम है मेघा, नमस्कार। एक शख्स का पेट जिंदगी के 36 साल तक इतना फूला रहा जैसे वो 9 महीने का प्रेग्नेंट हो, लेकिन डॉक्टरों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पेट में आखिर एक नहीं दो बच्चे हैं और वो किस हालत में हैं ये भी नहीं पता था। कई बार ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिनसे दिमाग चकरा जाता है और विज्ञान के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। भारत में नागपुर के रहने वाले एक शख्स के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर विज्ञान भी हिल गया। इस शख्स के पेट में दो बच्चे थे और ये पूरे 36 सालों तक गर्भवती रहा, यानी इसने 36 सालों तक प्रेगनेंसी देखी। इस चीज की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसका फूला हुआ पेट इतना ज्यादा फूलता था, उसे देखकर लोग बहुत अजीब नजरों से उसे देखते थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उसके पेट के अंदर आखिर है क्या। लोग सोचते ऐसे कोई बीमारी है या फिर कोई और बात होगी। इस शख्स का नाम संजू भगत है और ये भारत के नागपुर में रहता है। जब वो खुद एक बच्चा था, जब वो पैदा हुआ था तो बालिक होने तक उसका जीवन आरामदायक गुजरा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका पेट भी बड़ा होता गया, लेकिन कभी उसने इतना ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि एक छोटी सी सूजन है, लेकिन ये सूजन धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि परिवार वालों को चिंता हो गई। भगत को पहले तो सिर्फ फूले हुए पेट को देखकर अजीब लगता, लेकिन साल 1999 में ये इतना ज़्यादा फूल गया कि उसे सांस लेने में दिक्कत हुई। आखिरकार उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर डॉक्टर्स ने पहली नज़र में समझा कि उसे ट्यूमर है। आखिरकार डॉक्टर को लगा कि उसके पेट का ऑपरेशन किया जाना चाहिए ताकि इस ट्यूमर को निकाला जाए, और जैसे ही ऑपरेशन करने के लिए उसका पेट खोला गया तो डॉक्टर्स अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि उसके पेट में ट्यूमर की जगह कुछ और ही था। उसके पेट में डॉक्टर्स को इंसानी आकृति नजर आई, और जब उन्होंने अंदर हाथ डाला तो बहुत सारी हड्डियां उसके पेट में मौजूद थी। हिस्ट्री डिफाइन के मुताबिक भगत के पेट से एक पैर, दूसरा पैर, कुछ प्राइवेट पार्ट, बाल, हाथ, जबड़े, ये सभी निकले, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे ये सभी चीजें जोड़े में थी, और डॉक्टर्स भी ये देखकर दंग रह गए। यानी ये सारी चीजें जोड़े में निकलने का मतलब है उसके पेट में जुड़वा बच्चे थे। वेल, डॉक्टर ने इस केस को वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम का नाम दिया, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें जुड़वा प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे माँ के पेट में ही मर गए हों, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म ना हुए हों, और ये जब उसका तीसरा भाई पैदा हुआ हो तो अपने भाई के अंदर रह गए हों, और यहाँ पर ये एक परजीवी की तरह रह रहे हों। परजीवी आप समझते ही हैं जो धीरे धीरे खाते हैं किसी को। वेल, बहुत ही अजीब बात है, धरती पर सिर्फ 5 लाख में से किसी एक को ही ऐसा होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।